हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़गुजर और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं हो डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट मॉडल्स। तो ये एम आई एस का ही एक हिस्सा है। तो देखते हैं, तो हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए लॉन्ग रेंज प्लान जरूरी होते हैं। इसके लिए हम उसका डेवलपमेंट करते हैं, प्लानिंग वगैरह। तो उसमें अभी देखते हैं इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइजेशन। तो जो हमें EMIS के लिए रिक्वायर्ड जो जो मेजर सोर्स लाइक कैपिटल, टाइम एंड एंड क्या है ये कैपेसिटी। तो ये ऐसी जो मतलब जो हमें कुछ रिकॉग्नाइज करने के जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लगने वाली है, जो हमारे बड़े बड़े सोर्स है, जैसे कि हमारे कैपिटल, टाइम या कैपेसिटी, मतलब ऐसे बड़े बड़े सोर्स रहते हैं, रिसोर्सेस रहते हैं, उनसे हम जो इन्फॉर्मेशन रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे यमाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ के लिए। तो ये इसमें आता है। उसके बाद में देखते हैं मैनेजिंग रिसोर्सेस। तो मैनेजिंग रिसोर्सेस में क्या होता है, इफ़ द रिसोर्स इज़ टू बी मैनेज वेल, इट कॉल अपॉन द मैनेजमेंट टू प्लान फॉर इट एंड कंट्रोल इट फॉर द गुड यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसे हम रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं, जो हमें मतलब अगर हमें कुछ भी काम है तो हम मतलब जो जो लगने वाले रिसोर्सेस है उनको ही हम यूज़ करेंगे, और जो नहीं लगा लगने वाली रिसोर्सेस है उनको हम बाजू में रखते हैं। उसके बाद में आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नाउअडेज में जो हम मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फंक्शंस ऑफ स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज, यानी कि जो हम अभी अभी के मतलब अभी अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें जो कुछ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो कुछ भी हम मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस पे हम AI का यूज़ करके जो इंटेलिजेंस तैयार कर रहे हैं, या फिर जो हमारी लैंग्वेज है उसका यूज़ करके कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो सब कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद में आता है कंप्यूटर टूल्स। तो कंप्यूटर टूल्स क्या होता है, जो कंप्यूटर टूल्स आर यूज टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, इट कैन बी यूज फॉर नोइंग करंट स्टेटस, रियल टाइम प्रोसेसिंग। यानी कि जो कंप्यूटर टूल्स रहते हैं वो हमारी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो डाटा बेस में स्टोर रहती है उसके ऊपर प्रोसेस करने में, या फिर उसके ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब दो सिस्टम के बीच में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का लेन देन करके, तो वो करने के लिए काम आता है। और वैसे ही उसमें जो हमारे हमारी जो करंट स्टेटस है वो भी हमको दिखती है, और जो हमारे मतलब यानी कि जो रियल टाइम प्रोसेसिंग है वो भी हमें समझता है। उसके बाद में अभी हम देखते हैं हमारा क्या है ये डेवलपमेंट मॉडल। तो डेवलपमेंट मॉडल में दो टाइप है, एक है हमारा प्रोटोटाइप अप्रोच। तो प्रोटोटाइप अप्रोच क्या होता है देखते हैं, व्हेन सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स टू डेवलपमेंट। तो उस अगर हमारी सिस्टम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अभी हमको माइक्रो प्रोसेसर चिप तैयार करने हैं, तो वो बहुत ही छोटे रहते हैं, उनमें बहुत सारे सर्किट्स रहते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ मतलब बहुत छोटा काम रहता, मतलब बहुत बारीक काम रहता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट के लिए जो हमें प्रोटोटाइपिंग या स्टार्ट जो स्ट्रैटेजीज इट क्रिएटिंग प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिवली क्रिएटिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स टू डेवलप। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको आपके पास जो प्रोटोटाइप रहते हैं, यानी कि जो रूल्स रहते हैं आपके पास, मतलब यानी कि जो जो रास्ते हैं आपके पास फॉर क्रिएटिंग दैट यानी कि मतलब जो आपको तैयार करना है, जो मॉडल तैयार करना है, जो मॉडल को आपको डेवलप करना है, उसके लिए जो कुछ भी आपको प्रोटोटाइप है उससे उसको हम हेल्प लेते हैं उसको डेवलपिंग के लिए। इट क्रिएट हाँ जब मल्टीपल यूज़र रहते हैं तब जो हमारा जो डिज़ाइनर रहता है उसको प्रोटोटाइपिंग अप्रोच ये डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि जब जब मल्टीपल यूज़र रहते हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं, तो ये ऐसा हमें भी वो थोड़ा हार्ड जाता है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद में आता है हमारा लाइफ साइकिल अप्रोच। तो लाइफ साइकिल अप्रोच यानी कि जो देर आर मैनी सिस्टम और सब सिस्टम इन EMIS विच हैव अ लाइफ साइकिल।
मतलब हमें EMS में ऐसी बहुत सारी सिस्टम है या सब सिस्टम है, उनको लाइफ साइकिल रहती है, दे हैव बर्थ एंड डेथ। और उन अगर उनकी लाइफ साइकिल है तो उनका जन्म भी होगा और वो मतलब ख़त्म भी होगी, लाइफ साइकिल चलती भी रहेंगी और चलते चलते ख़त्म हो जाती है। यानी कि जैसे कि अगर आपको आपकी अम्ब्रेला की फैक्ट्री है, क्या बोलते हो, पावसाड़े के दिवस के पहले हमने उसको बनाने का स्टार्ट किया, और पावसाड़े जब जब चलता है मतलब पावसाड़े के मिडल में हमने उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बंद कर दी, सीज चालू बंद करते हैं हम उसमें। तो हाँ, तो दे हैव 100% क्लियरिटी ऑफ इनपुट एंड दे सोर्सेस द डेफिनाइट स्टेट ऑफ आउटपुट, मतलब यानी इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट फॉर्मेट। यानी कि जो हमने मतलब जब प्रोसेस चालू की थी तब से लेकर जब तक हमने प्रोसेस बंद नहीं की तब तक जो हमारी मतलब हमारा जो इनपुट दे के यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया था उससे लेकर जो हमारा आउटपुट आया, जो हमारी अम्ब्रेला आ गई, तो उस तक जो हमें हमने जो कुछ भी किया वो यहाँ पे आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे हमारा EMIS का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है।